लेक्चर में हम पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 4 स्टडी करेंगे, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में एक रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है। जब हमारे पास डिनोमिनेटर में एक इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, फॉर एग्जांपल एक्स ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन जो बनाते थे वो इस तरीके से बनाते थे, ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। लेकिन जब ये हमारे पास रिपीट हो रहा होगा, यानी कि एक्स ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू टाइम्स ये आ रहा है, तो तब जितने टाइम ये रिपीट हो रहा होगा उतने टाइम ही हम इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। एक दफ़ा ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी विद सिंगल डिग्री, प्लस दूसरी दफ़ा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी विद स्क्वायर, और ऊपर एक हमारे पास हो जाएगा डिनोमिनेटर ए एक्स प्लस बी, और दूसरा हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। जब भी हमारे पास एक इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो रहा होगा तो जितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा होगा उतने टाइम्स ही वो डिनोमिनेटर में आएगा, और न्यूमिनेटर में हम पहली दफ़ा ए एक्स प्लस बी, दूसरी दफ़ा सी एक्स प्लस डी, एंड तीसरी दफ़ा अगर होगा तो ई एक्स प्लस एफ इस तरीके से लिखेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे इनको सॉल्व करना सीखते हैं। एग्जाम्पल है रिजॉल्व 4x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब ये हमारे पास है 4x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये एक इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये 2 टाइम्स आ रहा है, और साथ एक लीनियर फैक्टर भी है एक्स माइनस 1। जब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस सपोज करेंगे तो ये जो हमारे पास इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये 2 टाइम्स आ रहा है, फर्स्ट टाइम इसकी डिग्री 1 आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सेकंड टाइम विद स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस लीनियर फैक्टर वैसे ही आ जाएगा एक्स माइनस 1। और न्यूमिनेटर में जब भी हमारे पास इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है तो उसके न्यूमिनेटर इस फॉर्म के होते हैं ए एक्स प्लस बी, ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी, और लीनियर फैक्टर के लिए हम कोई भी एक वेरिएबल सपोज कर लेते हैं वो ई हो जाएगा। उसके बाद बाकी सारे स्टेप्स वही हैं जिस तरीके से हमने पिछले केसेस को स्टडी किया, उनको क्वेश्चंस को सॉल्व किया कि बोथ साइड्स को उसके बाद हम कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कॉमन फैक्टर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। जब दोनों साइड्स को इस कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन एक आ जाएगी 4x स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस ई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे अगर हम x की जगह पे -1 पुट कर दें तो a और b भी ख़त्म हो जाएंगे,
सी और डी भी ख़त्म हो जाएंगे और ई की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। यानी अगर हम एक्स माइनस वन को ज़ीरो के इक्वल पुट कर लें तो हमारे पास एक्स इज़ इक्वल टू वन होगा, और जहाँ जहाँ पे एक्स है इस इक्वेशन में वहाँ वहाँ पे हम वन पुट करेंगे तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी, सी डी ए और बी जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सो पुट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स इज इक्वल टू वन, इस इक्वेशन का कोई भी नाम दे लें, लेट के ये इक्वेशन वन है, इन इक्वेशन वन जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे हम इस इक्वेशन में वन को पुट कर देंगे तो हमारे पास ई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ई की वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 4 इंटू वन इज इक्वल टू 4, ये ए बी सी और डी ख़त्म हो जाएंगे और ई इंटू वन प्लस वन, वन प्लस वन स्क्वेयर होगा, ये यहाँ पे भी स्क्वेयर होगा क्योंकि एक्स स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वेयर 4 ई, 4 ई इज इक्वल टू 4 और e इज इक्वल टू 1, e की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास। उसके बाद इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और इस फॉर्म में लेके आएंगे कि इन सब के जो एक तरह के टर्म्स हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इकट्ठे हो जाएं। तो जब हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, सबको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई यानी करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी कि 4x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस e इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस माइनस a प्लस बी इंटू एक्स रेज टू पावर 3 प्लस ए माइनस बी प्लस सी प्लस 2 ई इंटू एक्स स्क्वेयर और प्लस माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी इंटू एक्स। तो यहाँ से फिर हम इनके कोफिशेंट्स को कंपेयर कर लेंगे, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो एक जैसी टर्म्स होंगी उनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। हमें यहाँ से सिर्फ ये चीज़ें चाहिए हैं, मैंने वही लिख दी है। कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स पे, एक्स रेज टू पावर 4 के लिए अगर कंपेयर करें तो इस साइड पे एक्स रेज टू पावर 4 का जो कोफिशेंट है वो 0 है और इस साइड पे एक्स रेज टू पावर 4 का जो कोफिशेंट है वो है ए प्लस ई, ई की वैल्यू हमारे पास है 1। तो अगर हम यहाँ पे ई की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल टू माइनस 1, ये हमने कंपेयर किया फॉर एक्स रेज टू पावर 4। उसके बाद अगर हम कंपेयर करें फॉर एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का कोफिशेंट इस साइड पे फिर 0 है और इस साइड पे माइनस ए प्लस बी, ए की वैल्यू हमारे पास है माइनस 1, वो हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, बी इज इक्वल टू माइनस 1। उसके बाद हम एक्स स्क्वेयर के कोफिशेंट कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वेयर का कोफिशेंट इस साइड पे 4 और इस साइड पे a माइनस बी प्लस
सी प्लस टू ई, ए की वैल्यू भी हमारे पास है, बी की वैल्यू भी है, ई की वैल्यू भी है, तो सी की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर लेंगे। वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, सी इज इक्वल टू टू। उसके बाद फॉर एक्स के लिए हम कंपेयर कर लेते हैं, एक्स का कोफिशेंट इस साइड पे ज़ीरो है, इस साइड पे माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू भी हमें पता है, बी की वैल्यू भी पता है, सी की वैल्यू भी पता है, वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यूज़ आ जाएंगी, डी इज़ इक्वल टू टू। अब ये जो ए बी सी डी और ई की वैल्यू है ये हम वहाँ पे पुट कर देंगे जहाँ पे हमने पार्शियल फ्रैक्शंस को सपोज किया था, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 4x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इनटू x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। इस लेक्चर में हमने पार्शियल फ्रैक्शंस का केस नंबर 4 स्टडी किया, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा लेकिन वो रिपीट हो रहा होगा। जब हमारे पास डिनोमिनेटर में इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हो और वो रिपीट ना हो रहा हो, तो उसके लिए हम जो पार्शियल फ्रैक्शंस सपोज करते हैं वो होते हैं ए एक्स प्लस बी ओवर वो जो इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। लेकिन जब वो हमारे पास रिपीट हो रहा होगा तो जितने टाइम्स रिपीट हो रहा होगा उतने टाइम्स ही हम उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। एक हमने एग्जांपल ली 4x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इनटू x माइनस 1 और उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व किया। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से हमने उसके पार्शियल फ्रैक्शंस को सपोज किया और उसके बाद बाकी सारे स्टेप्स वही कि दोनों साइड्स को कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, जो लीनियर फैक्टर था उसको जीरो के इक्वल पुट करके एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली, उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई कर दिया इनको और जो एक जैसी टर्म्स थी उनके कोफिशिएंट्स को इकट्ठा कर दिया, दोनों साइड्स पे कंपेयर कर लिया तो सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज आ गई और वो एंड पे वहाँ पे पुट कर दी जहाँ पे हमने पार्शियल फ्रैक्शंस को सपोज किया था। एक्सरसाइज नंबर 5.4 जो है वो हमने बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करनी है। उसमें हमारे पास जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनमें जो डिनोमिनेटर है वो